हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है, साथ ही ये बजट फ्रेंडली है क्योंकि हम इसको चॉकलेट बिस्किट से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट बॉर्बन बिस्किट के लिए हैं। यह आसानी से आपको किसी भी लोकल मार्केट में या स्टोर पर मिल जाएगी। चलिए इसको हम खोलकर सारे बिस्किट को मिक्सर के जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट को मिक्सर के जार में डाल दिया है। दोनों पैकेट बिस्किट को हमें मिक्सर के जार में डाल देना है। देखिए, इसके अंदर पर क्रीम की फिलिंग होती है जिसके कारण कि इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है, जिससे केक बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हमें पीस कर फाइन पाउडर तैयार करना है। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें कोई भी बिस्किट के टुकड़े नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको पीस कर तैयार किया है। इसमें क्रीम होने के कारण ये थोड़ा चिपचिपा है, तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। इसको चम्मच से थोड़ा सा हम चला लेते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और कोई भी गठाने ना हो। यहाँ पर मैं 1/4 कप चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। इसको मैंने चीनी को पीस कर तैयार किया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। आप इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, यदि आपके पास कप का मेजरमेंट नहीं है तो। अब हम इसमें दूध डालते हुए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है हमको। इसको आराम से चलाते हुए हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आवश्यकता अनुसार आप दूध डालते जाइए। देखिए, यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है। मैं इसमें 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस की डाल रही हूँ। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, नहीं तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। देखिए, इसका टेक्सचर इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, अब हम किसी भी गहरे बर्तन को, एल्युमिनियम के कोई भी गहरे बर्तन में आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या बटर लगाकर इसको ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगाया है। अब हमने जो केक का बैटर बनाया है उसमें हम 1 पैकेट इनो डालेंगे, जो पाउच में अवेलेबल होता है। हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब हमने इस बैटर को केक टिन में डाल दिया है। यहाँ पर मैं इसको कुकर के अंदर रख रही हूँ। कुकर को मैंने 10 मिनट तक पहले से गर्म किया हुआ है और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने रबर और सीटी निकाल ली है। गैस की आंच को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 40 मिनट बाद मैं इसको खोलकर देख लेती हूँ। देखिए, हमारा केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब हम इसमें 1 टूथपिक डालकर चेक करेंगे। देखिए, टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है। मैं एक और बार आपको चेक करके दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ से भी मैंने इसको चेक किया है। देखिए, टूथपिक बिल्कुल साफ निकला है। हमारा केक अच्छे से पककर तैयार हो गया है। इसको हम बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केक को यहाँ मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए, केक हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके किनारों को चाकू की सहायता से अलग कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसे अलग कर लीजिए बर्तन से। अब एक प्लेट रखकर इसे इस तरीके से पलट लीजिए, हल्का सा टैप कर देते हैं। देखिए, हमारा केक कितनी आसानी से निकल कर बाहर आ गया है। बटर पेपर हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। देखिए, हमारा केक कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है और बहुत स्पॉन्जी बना है। देखिए, कितनी अच्छी जालियाँ इसमें बनी है। बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बना है। इसको मैंने शुगर पाउडर से गार्निश किया है। यह केक खाने में बिल्कुल मार्केट के केक के लगभग ही लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस केक को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विथ नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।